दो ही रास्ता है बाहर निकलने का, आप खुद प्रयास करो, वो होगा नहीं। दूसरा रास्ता, कृष्ण कहते हैं मैं बाहर खड़ा हूं, मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूं प्रभु, मैं रस्सी फेंक रहा हूं, पकड़ो और आ जाओ, मैं खींच लूंगा। नहीं नहीं, मैं क्यों रस्सी पकड़ूंगा, क्यों मैं आपकी बात सुनूंगा? तो भगवान बोले पड़े रहो। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान ने तीन गुणों के बारे में बताया, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दैवी ऐसा गुणमयी, ये गुणमयी है, मम माया दुरत्तया, कौन चला रहा है? हमने कहा ना कि तीन गुणों द्वारा संसार संचालित है, लेकिन क्या भगवान डायरेक्ट चला रहे? माया चलाती है, जिसको हम दुर्गा के नाम से जानते। तो हम भगवान के अंश हैं, जितने भी आत्माएं हैं सब भगवान का अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं। एक अरबपति खरबपति, ये तो लक्ष्मीपति हैं, एक अरबपति का भी बच्चा होगा, वो थोड़ी फुटपाथ पे सोता है, वो थोड़ी सिग्नल पे भीख मांगता है, वो अरबपति का बच्चा है तो मर्सिडीज और रोल्स रॉयस कार में घूमे, वो क्यों भीख मांगेगा? तो फिर ऐसा क्या हो गया? हाँ, ये अरबपति खरबपति और सबके पति जो लक्ष्मीपति हैं उनके बच्चे हम उनके अंश हैं, हम ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम ऐसे भटक रहे हैं संसार में, इतना दुख प्राप्त कर रहे हैं, दो वक्त की रोटी खाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है गधे जैसा, क्यों? आप सोचिए, जिसकी मम्मी लक्ष्मी है, लक्ष्मी जैसी नहीं साक्षात महालक्ष्मी वरलक्ष्मी, तो वो बच्चे को ऐसे भीख मांगना चाहिए? सर मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, मुझे नौकरी दे दो, ये स्थिति हो गई है। क्यों ऐसा हुआ? हम जब भगवान के अंश हैं तो ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? क्यों गलती हमारी है? जैसे हमने पिछले श्लोक में बताया, सरकार किसी भी व्यक्ति को, किसी जो नागरिक को जेल में नहीं डालना चाहती, लेकिन क्राइम करेगा, तो ऐसा क्राइम की वजह से हम फंस गए। अच्छा, भगवान की तो अनंत शक्तियां होती हैं, उसमें से प्रमुख तीन शक्तियां होती हैं, अंतरंगा शक्ति जिससे भगवान लीला करते हैं, बहिरंगा शक्ति जो ये माया है जो संसार चलाती है, भौतिक संसार, और दोनों के बीच में तटस्थ शक्ति, जैसे नदी का तट होता है, ना वो पानी है ना भूमि है, वो तट है, हम वो हैं। तो हम भगवान की शक्ति हैं जो माया शक्ति से ऊपर है, हम लोग सुपीरियर हैं, फिर कैसे माया के बंधन में आ गए? हम माया के बंधन में इसीलिए आ गए, एक तो हमने गड़बड़ करी, दूसरा वो माया भी तो भगवान की शक्ति है, दैवी एष गुणमयी, दैवी है वो। कैसी है शक्ति मेरी अर्जुन? दैवी शक्ति है, साधारण शक्ति नहीं। और कैसी है? गुणमयी, गुणों से भरपूर है। कौन से वाले गुण? ये तीन गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसके पास तीन रस्सियां होती हैं, या आप कह सकते हैं जंजीर, एक सोने की है सत्वगुण सोने की जंजीर, एक चांदी की है जो रजोगुण है, और तमोगुण लोहे की। अब बताइए आपको किस जंजीर से बांध के रखा जाए रूम के अंदर? आप बोलोगे नहीं नहीं सोना हो, मेरे को सोना मिलेगा, यस सोने की चेन से बांध देंगे, आपके पैर खींच के हाथ खींच के सर बांध देंगे, बंधे रहो, तो कौन सी चेन अच्छी लगेगी? कोई चेन अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि बंधन हमको अच्छा ही नहीं लगता, हमको बंधन से बाहर जाना है। तो जैसे भगवान है, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन माया ने हमको पकड़ लिया क्योंकि हमने गलती कर दिया। तो उदाहरण पे देखें तो सरकार जैसे होती, भगवान जैसे सरकार है, पुलिस डिपार्टमेंट हो माया है और हम नागरिक हैं, अगर हम सरकार के नियम पालन कर रहे हैं तो पुलिस हमको हाथ भी नहीं लगा सकती, उल्टा पुलिस हमें सुरक्षा देगी। पुलिस का काम क्या है? हमको सुरक्षा देना, अगर हम क्रिमिनल नहीं है तो अगर हम सरकार के नियम अनुसार चल रहे हैं तो पुलिस हमें कुछ भी नहीं करेगी, उल्टा हमें सुरक्षा प्रदान देगी, लेकिन अगर हम नियम तोड़ेंगे तो पुलिस पकड़ेगी। वही सरकार पुलिस को आदेश देगी, पकड़ो उसको, इसने नियम तोड़ा है, अब तुम इसको तोड़ो। वही आलमार हो रहा है इस संसार में, एक जेल है, कृष्ण ने कह दिया है सुनते नहीं मेरी बात, तुम संभालो। तो या तो हम सरकार के अधीन रहें, हम नागरिक हैं, या तो पुलिस के अधीन रहें, हालांकि पुलिस भी सरकार के अधीन है, अगर हम पुलिस के अधीन रहेंगे तो भी हम सरकार के अधीन हैं, लेकिन इनडायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट रहेंगे तो कितना अच्छा होगा, आजाद पंछी की तरह घूमते रहेंगे। तो वैसे ही भगवान के अंडर में रहेंगे डायरेक्ट, जैसे भगवान ने गीता और भागवत और शास्त्र वेद पुराण में कहा है वैसा पालन करेंगे तो भगवान के संरक्षण में रहेंगे, ये माया आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन जब हम नियम तोड़ देंगे
तो भगवान बोलते हैं माया को पकड़ो। अच्छा, माया पकड़ लेती है तो उससे बाहर नहीं निकल जा सकता, कोई नहीं निकल सकता। दैवी ऐसा गुणमय मम माया दुरत्तया, ये मेरी माया है दुरत्तया, इसको बाहर नहीं निकल सकते। अगर किसी कुएं में डाल दिया जाए और उसकी हाइट सिर्फ 3 फीट हो और कोई पुलिस नहीं, तो आप निकल के भाग जाओ। 6 फीट भी निकल के भाग जाएगा, 8-10 फीट भी चलो भाग गया, 15-16-20 फीट भी चलो कोई रस्सी फेंक दिया, कोई हेल्प कर दिया, भाग जाएंगे। लेकिन अगर कुएं में, जिस कुएं में आपको नीचे डाल दिया गया, उसकी दीवार जो है वो तो लाखों करोड़ों मील है, तो कैसे बाहर निकलोगे? है कोई रस्सी फेंकेगा उधर से? नहीं। दो ही रास्ता है बाहर निकलने का, एक आप खुद प्रयास करो, वो होगा नहीं। दूसरा रास्ता, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, कृष्ण बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं मैं बाहर खड़ा हूं, मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूं प्रभु, मैं रस्सी फेंक रहा हूं, पकड़ो और आ जाओ, मैं खींच लूंगा। नहीं नहीं, मैं क्यों रस्सी पकड़ूंगा, क्यों मैं आपकी बात सुनूंगा? तो भगवान बोले पड़े रहो। इसीलिए भगवान कहते मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण लेगा तो आएगा बाहर। और ये रस्सी क्या है? ये गुरु परंपरा है। भगवान अलग अलग गुरुओं को भेजते हैं परंपरा में, हमें पकड़ते हैं, लेकिन हमें उनको पकड़ना है। रस्सी आके हमें नहीं पकड़ेगी, हम रस्सी पकड़ेंगे तो भगवान खींचेंगे। अच्छा, हो सकता है कि बीच बीच में कहीं से रस्सियां आ जाएं। अभी मान लीजिए 1,00,000 मील ऊंचा दीवार है और भगवान ऊपर से रस्सी फेंक रहे, लेकिन हमने वो रस्सी को नहीं पहचाना, दूसरी रस्सी 2 मील से आ गई, फिर 5 मील से एक रस्सी आ रही है, फिर 50 मील से एक रस्सी आ रही है, 1,000 मील से, ये तो ऊपर तक ले नहीं जाएंगे, सिर्फ उतना ही ले जाएगा। 2 मील वाली रस्सी आपको 2 मील तक ले जाएगी, लेकिन ये तो 1,00,000 मील अभी है ना, 1,000 मील वाली वो ले जाएगी, लेकिन उसके ऊपर भी तो 99,000 मील है, कैसे बाहर निकले? रस्सियों में आप कन्फ्यूज हो जाओगे, अरे कौन सी रस्सी है, एक जैसी दिख रही है। इसीलिए गुरु चाहिए। भगवान क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए, माम एव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मतलब शरण लो, माम मतलब मेरी, एव मतलब सिर्फ मेरी शरण लो। इधर उधर देवताओं के पास मत भागो, किसी के पास मत भागो, तंत्र यंत्र के पीछे मत भागो, सिर्फ मेरी शरण लो। क्योंकि अगर मान लीजिए आप इंद्र की शरण ली, तो इंद्र कहाँ तक ले जाएंगे आपको? इंद्र लोक तक, बस। उससे ऊपर तो खुद नहीं जा पा रहे, तो आपको क्या ले जाएंगे? अब ब्रह्मा जी के पास चले गए तो ब्रह्म लोक तक ले जाएंगे, उससे ज्यादा क्या लेके जाएंगे? तो देवताओं का जहाँ जहाँ लोक है वहीं तक, वहीं से रस्सी आ रही है, लेकिन वैकुंठ से तो कृष्ण की रस्सी आ रही है। तो हमको रस्सी पहचाननी है, हम पहचान नहीं पाएंगे, तो गुरु आएंगे बोलेंगे देखो वो रस्सी जो देख रहे हो वो कृष्ण की नहीं है, वो तो 2 किलोमीटर तक जाएगी, वो एक देवता की रस्सी, वो देख रहे हो वो भी रस्सी में 5 किलोमीटर, ये ऐसे ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे गुरु नहीं चाहिए हमको, प्रामाणिक गुरु चाहिए। वो कृष्ण की रस्सी से आएंगे सीधा, बोलेंगे अरे मूर्ख कहीं का, जल्दी रस्सी पकड़, जिस पे मैं बैठा हूँ ये रस्सी पकड़, सीधा ऊपर जाएंगे फ्लाइट लेके। ये होते हैं प्रामाणिक गुरु। अब समझ में आया, प्रभुपाद जी गोल 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 क्यों नहीं घुमाते? कई बार लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी का भगवत गीता भागवतम हम पढ़ते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, गीता भागवत पढ़ो, भगवान की सेवा करो, भगवान के दास हो तुम, भक्ति करो तभी उद्धार होगा, बार बार वही चीज। इसलिए प्रभुपाद डायरेक्ट बुला रहे हैं, उस रस्सी पे बैठ के आ रहे हैं, जल्दी 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 चलो, इधर उधर रस्सियां मत देखो, ये नहीं वो नहीं, ये रस्सी पकड़ो। तो जिधर से प्रामाणिक गुरु आवाज लगा रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी आवाज लगा रहे हैं, उस रस्सी को पकड़ लो, जोर से पकड़ लो, और भगवान ऊपर खींच लेंगे, निकल जाओगे। छोड़ना नहीं रस्सी बीच में, वो रस्सी गुरु परंपरा है। और क्या लेके आए हैं वो रस्सी, कैसे आप पकड़ेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा। जितना आप अच्छे से हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे उतना जल्दी रस्सी पकड़ेंगे, उतना अच्छे से रस्सी पकड़ेंगे उतना जल्दी संसार से आपको मोक्ष मिलेगा। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, मैं तुमको इस माया से बाहर निकाल दूंगा। कृष्ण निकालेंगे, हम भक्ति करेंगे कृष्ण निकालेंगे, तो फिर माया क्या करेगी? माया तो भगवान के अधीन है। तो इसलिए भक्ति करो, प्रभुपाद की शरण लो, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ो, लेक्चर सुनो, समझो, हरे कृष्ण मंत्र जप करो और निकल जाओ। बाकी रस्सियों में ध्यान मत लगाइए, भटक जाएंगे, आधे में लटक जाएंगे। हरे कृष्ण।